आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 5 समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण की विविध प्रश्नावली करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है जिसका इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 4 से भाग दे लेंगे, ठीक ना। तो इसको हल कर रहे हैं हम लोग, इसको 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 और 2 18, 4 चौक 16 और 2 18, और इसको लिखेंगे 1/i और 4 छंग 24, 1/25, ठीक ना। और घात, पूरे घात ये 3 लिखा हुआ है। अब इसको करेंगे हम, i के घात 4 गुणे 4 और गुणे i के घात ये 2 प्लस 1/i के घात 4 गुणे 6 गुणे i के घात 1, ठीक ना। इसको हमने तोड़ लिया, ठीक ना, ये आई घात 2 भी लिख लिया यहाँ पर, ये 3 मतलब घात 3 है ये। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए आई के घात 4 के घात 4, ठीक ना, गुणे आई स्क्वायर प्लस 1/i के घात 4 के घात 6 गुणे आई के घात ये 3 हो गया। देखिए इसका मान 1 होता है, 1 रख लिया, गुणे आई स्क्वायर प्लस 1/1, इसका भी मान 1 होता है, ये आई के घात 3 हो गया। देखिए ये हो गया, 1 की घात कितना भी हो 1 ही आता है, इसलिए 1 हो गया। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, ठीक ना, प्लस 1/, इसका मान भी 1 गुणे ये आई है। क्या करेंगे, इस आई का हम ऊपर नीचे यहाँ पर फिर आगे गुणा भी कर लेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, देखिए -1 है, -1, और देखिए आई एक कम आई, और आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आई स्क्वायर, ठीक ना, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा -1 और ये -i के घात ये 3 हो गया, ठीक ना। तो इसको हमने हल कर लिया अभी, अब घात 3 है, इसको अब देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1+i, ठीक ना, पूरे के घात ये 3 लिखा हुआ है, ठीक ना। जब आप -1 माइनस का घात 3 करेंगे तो माइनस ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1+i के घात ये 3 हो गया, ठीक ना। मतलब देखिए अगर इसको हम और अच्छे से लिखना विस्तार करें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1 के घात 3 और 1+i के घात 3, तो इसका मान तो माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 1+i के घात 3। अब हम यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे, यक्स प्लस वाई के घात 3 का सूत्र होता है यक्स प्लस वाई पावर क्यूब, तो ये जगह यक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस वाई के पावर 3 होता है, ठीक ना। तो इसी पर हम रख लेते हैं इसको, और ये माइनस देखिए बाहर है, अब यहाँ लगाएंगे हम, ये रहा यक्स और ये रहा वाई, तो 1 के घात 3 प्लस 3x² मतलब 1 का स्क्वायर गुणे आई प्लस 3 गुणे 1 गुणे आई स्क्वायर प्लस आई का पावर ये 3, ठीक ना। अब हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 ये हो गया 3i, और ये आई स्क्वायर माइनस में रहेगा, 3 एकम 3 तो -3 हो गया, और ये आई क्यू का मतलब -i होता है। तो इसको हल करने के बाद देखें, 1 में से 3 गया -2, ठीक ना, और 3 में से 1 गया 2i, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 आई यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आई ये 2, ठीक ना। अब ये रहा इस प्रकार, इसको अगर जब हमने हल किया तो 2 - i 2 हमको प्राप्त हुआ। तो देखिए इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं 2 समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए ये हमें सिद्ध करना है, ठीक ना। इसमें लिखा है RE मतलब ये रियल पार्ट,
जेड वन गुणे जेड टू का जो रियल पार्ट होगा है ना, वास्तविक भाग जो होगा वो जेड वन के वास्तविक भाग और जेड टू के वास्तविक भाग का गुणनफल माइनस ये इमेजिनरी है मतलब अधिकल्पित जेड वन का अधिकल्पित भाग गुणे जेड टू का अधिकल्पित भाग, ये हमको सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं पहले, माना जेड वन बराबर ए प्लस आई बी एवं जेड टू बराबर सी प्लस आई डी, ठीक ना। दो समय संख्या हमने पहले ले लिया, अब हमको देखिए इसमें पहले गुणा करना है, तो हम इसका गुणा करके देखते हैं। जेड वन जेड टू बराबर ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, ठीक ना। गुणा करेंगे तो हम पहले पद में इन दोनों का से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ए गुणे सी ए सी, ए गुणे डी मतलब आई गुणे ए डी प्लस, अब जब इसका गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आई बी सी प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे अब तो आई स्क्वायर बी डी, इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें कर लेंगे, देखिए आई स्क्वायर है तो इसका मान माइनस वन होता है, तो यहाँ माइनस वन लिख लेंगे, तो ये ए सी प्लस, देखिए ये है अधिकल्पित भाग, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं ए डी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा माइनस बी डी, ठीक ना। आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, अब हम देखें इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो जगह ए सी माइनस बी डी और प्लस आई ए डी प्लस बी सी, ठीक ना। तो देखिए अगर हम जेड वन और जेड टू को गुणा किए तो हमको देखिए ये एक सममित संख्या ही मिली है जिसका ये वास्तविक भाग है और ये अधिकल्पित भाग है, ठीक ना। तो अब हमें देखिए देखना है रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, तो ये है हमारा रियल पार्ट है इसका, ठीक ना, वास्तविक भाग है जेड वन गुणे जेड टू का, तो हम इसमें लिख लेंगे। देखिए आर ई रियल पार्ट जेड वन जेड टू क्या आया है हमारा, ये आया है ये, तो लिखेंगे हम ए सी माइनस बी डी लिख लिए, ठीक ना। अब देखिए ए और सी क्या था, देखिए ए था इस जेड वन का अधिक वास्तविक भाग और सी था जेड टू का वास्तविक भाग, मतलब आर ई जेड वन लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आर ई जेड वन है ना, जेड वन का वास्तविक भाग ए और सी क्या है जेड टू का वास्तविक भाग, तो आर ई जेड टू, ठीक ना, रियल पार्ट ऑफ जेड टू। अब देखिए लिखा है इसमें, फिर ये माइनस, अब देखिए बी और डी क्या है, बी जेड वन का इमेजिनरी पार्ट है और डी जेड टू का इमेजिनरी पार्ट है, तो देखिए ये लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए हमने ये सिद्ध कर लिया जेड वन, ठीक ना, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन एंड इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ठीक ना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये किया इसीलिए इति सिद्धम हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दो हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर तीन देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर तीन है, तो इसे लिखा है कि इसको आप मानक रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक ना। तो मानक रूप क्या है, तो देखिए सममित संख्या का मानक रूप जेड बराबर ए प्लस आई बी होता है, ठीक ना, मतलब वास्तविक भाग प्लस अधिकल्पित भाग, इस रूप में हमको इसको करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम जेड बराबर मान लेते हैं, है ना, माना जेड बराबर ये चीज़, अब हम इसको हल करते हैं। तो जेड बराबर सबसे पहले इसको हम आपस में हल कर लेते हैं, लघुत्तम लेके करते हैं इसको, तो देखिए ये हो जाएगा वन माइनस फोर आई और वन प्लस आई, और ये हो जाएगा वन प्लस आई माइनस, जैसे इसको लघुत्तम लेते हैं वैसे ले रहे हैं, ये हो जाएगा वन माइनस फोर आई, ये हो गया, और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं फोर माइनस थ्री माइनस फोर आई फाइव प्लस ये आई, अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं तो हो जाएगा वन प्लस आई माइनस टू, है ना, दो एक कम दो, और ये हो जाएगा चार दुनी आठ आई बटे, इसका भी अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा वन प्लस आई, ये हो जाएगा माइनस फोर आई, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस फोर आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर आई बटे फाइव प्लस ये आई। देखिए ये जगह एक में से दो गया माइनस एक, और आठ और एक नौ,
ये हो गया 9i बटे, अब देखिए इसमें ये आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर हो जाएगा तो एक माइनस यहाँ से आएगा, ठीक ना। आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, माइनस वन और माइनस वन प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा देखिए 4, ये प्लस में हो जाएगा। और इसको आप हल कर लेंगे, देखिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3i माइनस, और ये आई स्क्वायर यहाँ से आएगा तो ये प्लस 4 कर देगा, ठीक ना। और प्लस 4 4 और 1 यहाँ 5 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया इस प्रकार आया। अब हम इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो गया 3 माइनस 4i बटे 5 प्लस ये आई। अब ऊपर का ऊपर के संग गुणा करेंगे और इसका इसके संग गुणा करेंगे तो ये जाएगा, देखिए इस माइनस वन का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस 3 और ये जाएगा प्लस, है ना, दो माइनस मिलके प्लस, 4 एक कम 4 और ये आई। अब इनका गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 आई, और इनका गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक 36 ये आई स्क्वायर बटे, अब इनका गुणा इसमें कर लेंगे तो 5 पचे 25 प्लस 5 आई और 5 3 15 आई, ठीक ना, 5 3 15 आई। और फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो माइनस 3 आई स्क्वायर, ठीक ना। दो ब्रैकेट को खोलते हैं, पहले इसका इन दोनों पदों में किया है, फिर इनका इन दोनों पदों में किया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 और ये 27 28 29 30 31 प्लस 31 आई, और ये जगह माइनस यहाँ से मिलेगा तो ये प्लस 36 हो जाएगा बटे, और ये देखिए ये हो जाएगा 25 प्लस, देखिए 5 माइनस 15 माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 10 और ये माइनस यहाँ हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का मान माइनस होता है, इस माइनस ये तो प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार ये आया, 36 में 3 गया 33 प्लस 31 आई बटे 25 3 28 माइनस 10 आई। तो ये आया हमारा जेड, ठीक ना। और हमको मानक रूप में लिखना है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए जेड बराबर ये आया है 33 प्लस 31 आई बटे 28 माइनस 10 आई, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, हर में जो लिखा है जो समीप संख्या लिखा है उसके संयुग्मी के संग हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 28 प्लस 10 आई बटे 28 प्लस 10 आई, ठीक ना। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो हमको a प्लस आई बी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम 33 का गुणा 28 में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आया 924 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 330 आई, और जब इसका बड़ा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा सट आया 868, और जब इसका बड़ा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 310 आई स्क्वायर, है ना, आई 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 स्क्वायर। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ठीक ना। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक ना, मतलब ये कह सकते हैं आप कि इसका ये कंजुगेट है, संयुग्मी है। तो हमने इसको पहले बताया है, किसी भी समीप संख्या मतलब मान लिया a प्लस आई बी है, ठीक ना, और अगर इसके संयुग्मी के संग गुणा करें हम इसको तो देखिए क्या आता है, ये देखिए गुणा करके हम एक बार देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस आई ए बी प्लस आई ए बी और ये माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ठीक ना, गुणा कर रहे हैं हम, देखिए कैंसिल हो जाता है और ये आई, और देखिए ये आई स्क्वायर फिर माइनस बनेगा तो माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक ना। मतलब सीधे कि ए स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर, ठीक ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए हमने 28 का स्क्वायर किया और 10 का स्क्वायर किया है, ठीक ना। इसका बड़ा इसमें किए हैं, इसका बड़ा इसमें किए ये आया, ठीक ना, इसका बड़ा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आई लगेगा, ठीक ना, तो ये जुड़ेगा नहीं। अब देखिए इसमें जाएगा 924 प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 8 और 6 7 8 9 और 8 9 10 11 ये आया आई, और ये देखिए ये आई स्क्वायर है तो ये माइनस 310 हो जाएगा बटे 28 का स्क्वायर होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं 784 प्लस 100,
ठीक ना। तो अब इसको घटा लेंगे, 924 में घटाएंगे 310 को, तो ये हो गया 924 माइनस 310, 416, ठीक ना, 6, तो यहाँ आएगा 614 प्लस 1198 आई बटे, इनको जोड़ेंगे तो ये 884 हो जाएगा। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 614 बटे 884 प्लस आई, और क्या लिखा है, 1198 बटे 884। ये अभी कटेगा तो इसको सरल कर लेते हैं, तो इससे दो के पाना से भी कट जाएगा, चार, देखिए, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो दुनी चार, दो तिहाई छः, दो सत्ते चौदह, ठीक ना, ये कट गया। इसको काटेंगे तो ये 442, और ये हो जाएगा दो पंचे दस, दो नवा अठारह, और दो नवा अठारह। तो देखिए ये क्या बना हमारा, यहाँ लिख देते हैं, 307 बटे 442 प्लस आई 599 बटे 442। तो ये देखिए हमारा मानक रूप में आया, ए प्लस आई बी के रूप में हमारा ये जेड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखिए हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, तो ये हमको दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कई तरीके से किया जाता है, हम इसको सरल से सरल तरीके में करेंगे। देखिए ये लिखा है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, यक्स माइनस आई वाई बराबर करनी ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसका तो वर्क कर लेते हैं, दोनों पक्षों में अगर वर्क करेंगे तो करनी हट जाएगी। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना, तो वर्ग कर लेते हैं तो देखिए इस पर स्क्वायर लग जाएगा, यक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और इस पर से एक अर्निंग हट जाएगी, तो सी माइनस आई डी लिख दिया, ठीक ना, इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, देखिए यक्स माइनस आई वाई एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं, बराबर ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ठीक ना, कुछ नहीं किया, इसको दो बार लिख दिया है, ठीक ना। अब देखिए हम इस दोनों पक्षों का संयुग्म लेंगे, ठीक ना। देखिए बहुत इजी तरीके से हम बता रहे हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों का, इसको समीकरण एक डाल लेते हैं, दोनों पक्षों का संयुग्मी कंजुगेट लेना है, लेने पर, ठीक ना। तो संयुग्मी लेंगे तो देखिए क्या होगा, यक्स माइनस आई वाई एक और यक्स माइनस आई वाई, इसका हम पूरा संयुग्मी ले रहे हैं, ठीक ना, बराबर ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, इसको पूरा ब्रैकेट डालकर हम एक पूरा एक ब्रैकेट एक संयुग्मी ले लिया, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने आपको इसके आगे प्रॉपर्टी बता रखा है, गुण बता रखा है, कि यदि आप दो समीस संख्या का अगर आप संयुग्मी ले रहे हैं, ठीक ना, तो ये इसके बराबर होता है, जेड वन का संयुग्मी कर लीजिए, फिर जेड टू का संयुग्मी करिए, और फिर गुणा करिए, मान उतना ही आएगा, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी होती है, दो संख्याओं का गुणा कर लीजिए फिर उसका संयुग्मी लीजिए, या पहले का जेड वन का संयुग्मी ले लीजिए फिर जेड टू का संयुग्मी लीजिए फिर उनका गुणा करिए, आंसर सेम आएगा, ठीक ना। और एक नियम बताया था, यदि जेड वन बटे जेड टू हो और इस पूरे का अगर संयुग्मी ले रहे हैं हम, तो इनका होता है जेड वन का संयुग्मी ले लीजिए फिर जेड टू का ले लीजिए और फिर इनको भाग कर दीजिए, सेम आंसर आता है। अब देखिए हमको दो संयुग्मी संख्या मिली है, हम उनका संयुग्मी ले रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए ये इससे इसका अलग और इसका अलग कर लेते हैं, ठीक ना, इसका अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यक्स माइनस आई वाई इसका संयुग्मी और यक्स माइनस आई वाई इसका संयुग्मी, यही मतलब हुआ। और इसको हम बांट लेते हैं, ए माइनस आई बी और बटे सी माइनस आई डी इसका संयुग्मी, अलग अलग कर लिया। अब देखिए इसका क्या आएगा,
इसका जगह यक्स प्लस आई वाई और इसका यक्स प्लस आई वाई है ना, केवल इमेजरी पार्ट का ही साइन बदलता है इसमें। तो a प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी, ठीक ना, ये हो गया। अब सेम चीज है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर a प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी, ठीक ना, ये हो गया समीकरण दो। ठीक, इसमें से आप चाहें तो जो स्टेप न जरूरत हो उसको आप नहीं न भी लिखिए, ये हमने नियम बताया था, इसको हटा दीजिए, ठीक ना। और अब देखिए, अगर हम इसका देखें समीकरण एक और समीकरण दो का गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, समीकरण एक एवं दो का गुणा करने पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, बाईं तरफ गुणा होता है, दाई का दाई तरफ होता है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा यक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये इसका देखिए इन दोनों का अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ये इसका हो गया। और फिर ये इसका लिखेंगे a प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी, ठीक ना। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, देखिए इसको अगर हल करें, देखिए दोनों पर अलग अलग घात है, हम चाहे तो एक पर घात लगा लें, तो देखिए यक्स माइनस आई वाई गुणे यक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर ये लिख लिया। और इसका लिखेंगे देखिए, अगर इसका आप गुणा करें, ठीक ना, ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, इसका ये संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है, तो दो संयुग्मी संख्याओं गुणा करना क्या बताए थे, अगर इसका आप इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा इसका, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे देखिए हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, ठीक ना। और जब आप इसको हल करेंगे, देखिए इसका भी यही है, संयुग्मी संख्या है ए माइनस आई वाई ए प्लस आई वाई, जब इसका आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका ये होल स्क्वायर है, तो वो होल स्क्वायर है और ये हमको ये प्राप्त हो गया, तो जो प्राप्त करना था ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए ये है संयुग्मी से की मदद करके हमने इसको प्रश्न नंबर को इसको हल कर लिया। अब हम इसको एक और तरीका बताते हैं, ये है प्रश्न नंबर चार और ये अथवा में है, ठीक ना, हम एक दूसरे तरीके से करके इसको दिखा रहे हैं। तो इसमें लिखा था यक्स माइनस आई वाई बराबर कर्णी में ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ठीक ना, ये क्वेश्चन दिया था और ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, पहले तो दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वह करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ठीक है, इस पर से करनी हट जाएगी। अब देखिए इसको हम इसके संयुग्मी के संग गुणा करेंगे और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स और आई वाई, ठीक ना, इसको हमने a माइनस बी से ओपन कर दिया और इसको हम इसको हल करेंगे a माइनस आई बी सी माइनस आई डी और इसको हम गुणा करते हैं c प्लस आई डी बटे सी प्लस आई डी, ठीक ना, हर के संयुग्मी के संग ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। इसका देखिए i स्क्वायर है, ठीक ना, तो i का स्क्वायर क्या होगा, माइनस आएगा, तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस और वाई का वाई स्क्वायर माइनस आई टू एक्स ये वाई बराबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं ए सी और इसका प्लस आई ए डी और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आई बी सी और इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए आई 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 स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस आई स्क्वायर ये डी, ठीक ना,
ये आई स्क्वायर फिर एक माइनस देगा तो इसके कारण ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इतना कर लीजिए, प्लस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका बड़ा इसमें किया है तो ये जाएगा प्लस बी ये डी। बट देखिए दो ये संख्या का संयुग्मी ही लिखा हुआ है तो इसका जब हल करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार फिर लिखते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया तो आपका वास्तविक भाग माइनस आई टू एक्स वाई बराबर, इसमें देखिए वास्तविक भाग है ए सी प्लस बी डी प्लस आई ए डी माइनस बी सी बट ए सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया इसका भी ऐसे। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई टू एक्स वाई बराबर ए सी प्लस बी डी बट ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई ए डी माइनस बी सी बट ए सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, ठीक ना। तो जब आप इसका वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहां पर वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर, बराबर करने पर, तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, और अधिकल्पित भाग है माइनस टू एक्स वाई बराबर ए डी माइनस बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, ठीक ना। ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे हल करना है हमें, तो हम इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा बड़ा है मगर दोनों दो मेथड है, कम से कम देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इसमें हम रख लेते हैं, इसमें मान रख लेते हैं, देखिए ये रहा इसका मान, यहाँ रख लेते हैं ए सी प्लस बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है प्लस फोर, देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो अगर आप इसका मान रखेंगे, चाहे तो आप माइनस भी देख लगा सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा, मतलब इसका हम इसी को लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर लगाकर, ठीक ना। तो लिखेंगे ए डी माइनस बी सी बट ए सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखिए अब हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका अलग ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बट ए सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बट ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो देखिए इसका लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं ए बी सी डी प्लस ए स्क्वायर ये डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी ए बी सी डी। अब देखिए ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सेम चीज़ है। अब देखिए इसमें हमको क्या प्रूव करना है इसको देख लेते हैं, देखिए ए स्क्वायर अगर मैं इससे कॉमन ए स्क्वायर और इससे स्क्वायर लूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमको सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, ठीक ना।
और इसमें अगर मैं ले लूँ बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ देखिए आ जाएगा सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम आया तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अगले कोष्टक में ये जो बचा किनारे किनारे उसको हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें से एक चीज़ ये कट जाएगा तो देखिए क्या आ गया हमारा फॉर्म आंसर, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए यही प्रूव करना था हमको, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर आपको इसमें ये दिक्कत है ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लगाया है तो देखिए हम इसको बता देते हैं, यही बता देते हैं। देखिए इसमें क्या था कि अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, देखिए ये वाला है, ये इसके पहले की प्रश्नावली में भी ये फॉर्मूला लगा है मगर फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ये फॉर्मूला होता है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक ना। अब हम इसको घटा देते हैं, ये घटाया ये और ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो इसमें देखिए जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये कैंसिल और ये दो दो ये चार एक्स वाई हो गया, ठीक ना। इसको हमने उधर पक्षांतर कर देते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर फोर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। अगर हम x के स्थान पर x स्क्वायर रख दें तो देखिए x स्क्वायर और y के स्थान पर y स्क्वायर रख दें तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये इसको हम इधर लिख सकते हैं इधर चाहे उधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने वहीं से रखा था। तो देखिए ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए ये रखा है, इसको पहले मान लेंगे, माना जेड बराबर वन प्लस सेवन आई और टू माइनस आई का होल स्क्वायर। देखिए इसको ध्रुवीय रूप में बदलने के पहले इसको पहले हम मानक रूप में बदलेंगे, z बराबर जो a प्लस आई बी होता है इस रूप में बदलेंगे, ठीक ना। तो इसको पहले हल कर लेंगे फिर इसके व्युत्क्रम से गुणा करके पहले इस रूप में बदलेंगे हम। तो लिखते हैं z बराबर 1 प्लस सेवन आई बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और ये बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, वन प्लस सेवन आई बटे दो का चार और आई स्क्वायर का माइनस वन आएगा, ये माइनस वन और ये हो गया दो दुनी चार, है ना, चार आई हो गया ये वन प्लस सेवन आई बटे चार में से एक गया थ्री माइनस फोर आई, ठीक ना, इतना तो आया। अब हम इसके व्युत्क्रम से यानी संयुग्मी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा थ्री प्लस फोर आई बटे माइनस है तो प्लस के संग गुणा कर रहे हैं और 3 प्लस फोर आई, जब इसका ऊपर में गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे में कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसका एक गुणा इनमें करेंगे तो जाएगा 3 प्लस फोर आई और इनका गुणा इसमें करेंगे तो सात त्रिक इक्कीस आई प्लस सात चौक अट्ठाईस आई स्क्वायर बटे, देखिए इनका जब करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ठीक ना, ठीक ना। तो कोई भी दो समी संख्या इसके संयुग्मी की संगुणा करते हैं तो सीधे वास्तविक भाग का वर्ग और अधिकल्पित भाग का वर्ग आता है इसमें, ठीक ना। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आई स्क्वायर है तो माइनस में हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये लिखेंगे जेड बराबर थ्री प्लस और ये इक्कीस और चार पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस आई और माइनस अट्ठाईस, है ना, ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का माइनस वन मान आता है बटे ये हो गया तीन त्रिकाई नौ प्लस चार चौक सोलह,
तो इनको देखिए 28 में 3 गया तो माइनस 25 प्लस 25 आई बटे 9, 16 9 25। अब इसको बांट लेंगे तो जगह माइनस 25 बटे 25 प्लस आई 25 बटे 25, तो ये कैंसिल होकर ये माइनस 1 प्लस आई आएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये जेड के रूप में आया, ठीक। अब देखिए इसका हमको ध्रुवीय रूप बदलना है, तो ध्रुवीय रूप के लिए हमको मापांक और कोणांक की जरूरत होती है, ठीक ना, मापांक आर और कोणांक थीटा की जरूरत है, ठीक ना। तो आर कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखिए आर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड और रूट अंडर आर ई जेड, है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जेड का स्क्वायर, ठीक ना। इसके पहले प्रश्नावली में हमने इसको पढ़ा है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर प्लस ये वन का स्क्वायर, ठीक ना, इमेजिनरी पार्ट में यहाँ वन है, वन लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आर बराबर वन प्लस वन, मतलब आर का मान करनी ये दो आ गया, ठीक ना। अब थीटा हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम इसको इस समीकरण संख्या के चतुर्थांश देखेंगे, किस चतुर्थांश में ये आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, ठीक ना, ये x और ये y, ठीक ना, तो माइनस और ये प्लस, ये होता है दूसरे चतुर्थांश में, ठीक ना, दूसरे चतुर्थांश में ये माइनस और ये प्लस होता है, तो ये हमारा मतलब ये समीकरण संख्या हमको दूसरे चतुर्थांश में आया, और दूसरे चतुर्थांश में आया, अब हम इसका अल्फा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। पहले हमने इसका थीटा देख लिया, अल्फा देख चतुर्थांश देख लिया, अब हम इसका अल्फा ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे रियल पार्ट ऑफ ये जेड। देखिए इसका क्या आता है, थोड़ा जो है कम पड़ गया यहाँ, तो लिखेंगे अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है देखिए वन और रियल पार्ट माइनस वन, लिखेंगे वन बटे माइनस वन, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, मतलब ये माइनस वन है, ठीक ना। और जब मोड लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ये वन हो गया, और वन किसका होता है, टेन पर 45 पर, मतलब पाई बाई ये फोर पर होता है। अब देखिए चूंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश के लिए हमने बताया था, टेबल में बताया है, तो थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक ना। दूसरे चतुर्थांश में अगर अल्फा मतलब थीटा ज्ञात करना तो पाई माइनस अल्फा करना होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए पाई माइनस पाई बाई ये फोर, तो चार एक कम चार, चार में कम हुआ तो थ्री पाई बाई फोर। तो देखिए हमको थीटा और आर दोनों प्राप्त हो गया, अब हम इसका ध्रुवीय रूप लिख देंगे। तो ध्रुवीय रूप का देखिए मानक रूप क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना, बराबर देखिए आर क्या है, कर्णी दो आया है, और थीटा क्या होता है, देखिए थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाई ये फोर हो गया, ठीक ना। तो ये जेड का मान इस रूप में हमने ध्रुवीय रूप में इसको बदल दिया, ठीक ना। तो प्रश्न पाँच का पहला भाग हमने देख लिया, अब दूसरा भाग इसका देखेंगे। देखिए दूसरे भाग में लिखा है थ्री प्लस वन प्लस थ्री आई वन माइनस ये टू आई, इसको हम जेड बराबर लिख लेते हैं, वन प्लस थ्री आई बटे वन माइनस टू आई, ठीक ना। अब इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो हो जाएगा वन प्लस टू आई बटे वन प्लस टू आई। तो देखिए ऊपर का गुणा कर लेंगे इसको, इसका एक गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा वन प्लस टू आई, और इसका इनमें गुणा करेंगे तो प्लस थ्री आई, और तीन दूनी छः और ये आई स्क्वायर बटे, देखिए इसका करेंगे तो जगह वन का स्क्वायर प्लस ये टू का स्क्वायर, ठीक ना। देखिए बार बार इसको जरूरत नहीं है, देखिए ये होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये जगह वाई का ये स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जाएगा ये वाला, ये देखिए माइनस वन हो जाएगा, वन प्लस तीन दो पाँच आई, और ये हो जाएगा माइनस छः बटे वन, देखिए आई स्क्वायर मिलेगा तो माइनस होगा, ये माइनस के कारण प्लस, ठीक ना। तो ये दो दुनी ये चार हो गया, इसलिए हम लोग इसको सीधे वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा पाँच, एक में से छः गया माइनस पाँच प्लस ये फाइव आई बटे ये फाइव आ गया, ठीक ना। अब जब इसको अलग अलग कर देते हैं, माइनस पाँच बटे पाँच प्लस आई पाँच बटे ये पाँच, तो देखिए हमको क्या आ जाएगा, ये जेड बराबर पाँच एकम पाँच कट के माइनस एक और ये पाँच कट के ये प्लस आई, तो देखिए ये आया। और अगर आपने ध्यान होगा तो प्रश्न नंबर पहले भाग में भी यही चीज आया था, देखिए ये पहले चीज यही चीज आया हुआ है, ठीक ना। मतलब अब अगर इसके आगे हमको अगर इसका मापांक का कोणांक ज्ञात करना है तो यही सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक ना। मतलब इसका भी आंसर यही चीज़ है, ठीक ना। तो इसके आगे आप इसको नोट कर दीजिए, ये कंटिन्यू इसी तरह चल जाएगा, यही आंसर ही है इसका, ठीक ना। इसीलिए इसको मिटाया नहीं था। इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर पाँच हल हो गया।